Good morning class. Today I am going to give you the explanation on chapter number 11, the Hornbill Festival. Answer this question. Kids, here are given few questions from your textbooks, and I am going to explain you these answers. The first question is the boys knew that something was going to be happen. and what was going to be happen and when? उन्हें पता था कि कुछ होने वाला है बट वो कब और क्या होने वाला है आंसर द बॉयज़ न्यू दैट समथिंग वॉज अबाउट टू हैपन इट वॉज हॉर्नबिल फेस्टिवल एक्चुअली में वो हॉर्नबिल फेस्टिवल था एंड इट इज़ हेल्ड बिटवीन फर्स्ट अप टू टेंथ दिसंबर ओके ये एक से दस दिसंबर के बीच में होता है सेकेंड क्वेश्चन वॉट डू यू पीपल गेट टू सी और डू इन दिस इवेंट पीपल क्या देख रहे थे और क्या करते थे इस फेस्टिवल में सेकेंड आंसर है देर इज ए स्पेशल किड्स कार्निवल स्पेशली ये बच्चों के लिए होता था जिसमें कॉम्पिटिशन्स होते थे फॉर कुकिंग पेंटिंग डांसिंग सिंगिंग राइटिंग पोइट्री फोटोग्राफी साइकिलिंग एंड अदर थिंग्स ओके किड्स तो आपको इतना ही लिखना है थर्ड नंबर है वो इज़ द किंग चिल्ली ईटिंग कॉम्पिटिशन किंग चिल्ली ईटिंग कॉम्पटिशन क्या था थर्ड वन है द चिल्ली किंग चिल्ली कॉम्पिटिशन इज मोस्ट पॉपुलर इवेंट ये बहुत ही फेमस इवेंट था इस फेस्टिवल का बिकॉज़ यू आर गेटिंग अ प्राइज फॉर ईटिंग चिल्लीज़ एज मच एज यू कैन जितना ज़्यादा आप चिल्लीज़ मिर्चियाँ खा सकते हो उसके ऊपर इसमें प्राइज़ दिया जाता था इसलिए इसे द किंग चिल्ली ईटिंग कॉम्पिटिशन कहा जाता था नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द नागा हेरिटेज विलेज ओके हमें उस विलेज के बारे में फोर्थ नंबर में बताना है कि एक्चुअली नागा विलेज कैसा था आंसर नंबर फोर द नागा हेरिटेज विलेज इन कियाजामा कहां कहाँ पर था ये कियाजामा में एंड द हेरिटेज विलेज इज एन एम्फी थिएटर पहाड़ियों से घिरा हुआ ओके okay? बट इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ म्यूजियम एक तरह से ये म्यूजियम भी था द विलेज है विलेज को चारों तरफ से सोलह तरह के बड़े बड़े गेट से घेरा गया था एक गेट वन गेट फॉर ईच टाइब एंड द गेट्स आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद ट्रेडिशनल वारिंग और जो भी गेट आपने देखा है पूरे पिक्चर्स में लेसन में हर गेट के ऊपर अलग अलग तरह से उडेन नक्काशी किया गया था और स्पेशल बात यह थी कि हर एक इवेंट के लिए सिर्फ एक ही गेट होता था इस तरह से नागा हेरिटेज विलेज बहुत ही फेमस था नेक्स्ट नंबर है फाइव विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी हर्ड ऑफ़ एंड डूरिंग द फेस्टिवल एंड वॉट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट यानी जब फेस्टिवल होता था तो वहाँ पर कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता था और उसका मतलब उसका महत्व क्या होता था नंबर फाइव है द ग्रैंड लॉग ड्रम्स बहुत बड़ी स्टिक होती थी और ड्रम होता था विच आर बेटे विद स्पेशल वुडन स्टिक्स जो एक लकड़ी के स्टिक से ही बजाया जाता था ओनली द मैन फॉक बीट दिस ड्रम यानी जो उस फेस्टिवल से कनेक्टेड मैन होते थे उस ड्रम को बजा सकते थे इट इज़ बिलीव वहाँ की मान्यता ऐसी है दैट इज़ ओल्डन टाइम्स द नागा सेंड सीक्रेट मैसेजेस थ्रो ड्रम्स वहाँ की मान्यता ऐसी है कि ड्रम के म्यूजिक के थ्रू ये लोग सीक्रेट मैसेज वहाँ के नागा विलेजेस को भेजते हैं बीट्स दैट ओनली द विलेजेस मेंबर कोड अंडरस्टैंड जो कि सिर्फ और सिर्फ नागा के जो गांव के लोग हैं उन्हीं को वो बीट्स के सीक्रेट कोड समझ में आते थे ओके तो आपको इतना ही आंसर लिखना है बेटा और इसको ही लर्न करना है Even though if you are feeling any doubts, any problem regarding these question answers, you can ask me freely. okay? So I hope you all are getting my points. So thank you so much everyone and stay safe at home.